वैसे भाई ने एक्को फायर 2 परचेज किया हुआ है और वो वैसे शुगर मेरे की वीडियो देखी आए हैं। तो कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं, मैं बता रहा था कि वो बैटरी अगर उसकी चार्जिंग पे लगा कर लो तो वो ज़्यादा लैग मारते हैं। लेकिन तो यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में और उम्मीद है आप सबको खैर खैरियत से होंगे। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस खबर समझा कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। तो यार जैसे कि आपने थंबनेल देखा और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यार आज हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ ऐसे ड्रिल्स की जिनको फॉलो करके यार आपका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा होकर आने वाला है। ठीक है, इन ड्रिल्स में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ड्रिल बताऊँगा उनको फॉलो करके आप अपने एम की स्पीड और एक्यूरेसी में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करके डिसिप्लिन वाइज रूटीन में अपने डाल लेते हैं तो यार आपकी गेम में बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आने वाले हैं। और जो सेकंड आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको रिफ्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उन ड्रिल्स को अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं और आपको कोई बंदा भी पीछे से आके इतनी ईजीली नहीं मार सकेगा। ठीक है, और जो तीसरा आपको मैं बताने जाऊँगा ड्रिल, ठीक है, वो इसके स्प्रेस और एडीएस वगैरह के बारे में बताऊँगा कि उसकी आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। और जो लास्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमारा है जी कार ट्रेसिंग का, क्योंकि यार चलती गाड़ी से बंदा उतारना काफ़ी मुश्किल होता है क्लासिक में। तो उसके लिए मैं आपको जो ड्रिल्स बताऊंगा वो अगर आप डेली रूटीन पे फॉलो करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाना है। ठीक है, ये काम करना, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा और वीडियो के एंड पर आपको एक अनाउंसमेंट भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले ड्रिल की और वो कैसे परफॉर्म करना है। तो यार गेम की साउंड मैंने ऑफ कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। तो सबसे पहले आपने अपनी कंफर्टेबल वेपन उठा लेनी है जो आप क्लासिक में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्लासिक में अगर आप क्लोज रेंज में जो वेपन अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर आप काफ़ी अच्छे से हाथ आपका बैठा हुआ है और आप सोचते हैं कि यार क्लोज रेंज में अगर ये बंदूक मेरे पास हो तो मैं भाई फाड़ दूँगा, ठीक है, पूरी लोबी, तो वो गन आपने उठा लेनी है। और मेरी जाने मन है 1KM जो ईज़िली मिल भी जाती है। तो सबसे पहले ड्रिल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ड्रिल में आपने करना ऐसे होगा कि भाई आपने ना सिंपली इनके ऊपर एम करना है जितना फास्ट हो सके, और सिर्फ एम नहीं करना और साथ में फायरिंग भी करनी है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हेड कनेक्ट करके इनके ऊपर जितना फास्ट हो सके आपने उतना फास्ट आपने अपने मोबाइल को मूव करना है। ठीक है, चाहे आप जैरो प्लेयर हैं या नॉन जैरो प्लेयर हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आपके क्लोज रेंज में एमिंग को। ठीक है, क्योंकि आपके सामने अगर अचानक से कोई बंदा आ गया ना तो आपने जैसे ही स्कोप खोलेंगे सीधे उस बंदे के हेड पे खोलेंगे। ठीक है, स्कोप भैया उस बंदे को मतलब फाइट हारने का आपके चांसेस ना ऑलमोस्ट मतलब ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ड्रिल को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि यार आप बस एक दिन दो दिन किया और आप सोचो कि बस यार ये तो हो गया काम। मेरे यकीन जाने मैं एवरी क्लासिक मैच में जाने से कम मैं अपने 25 मिनट इधर देता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। ठीक है, और इतने मैं जो ड्रिल्स वगैरह आपको बता रहा हूँ ये मैं डेली रूटीन में प्रैक्टिस करता हूँ और उसकी वजह से मेरे यार गेम प्ले काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, तभी मैं आपको लोगों के लिए मतलब इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आता हूँ। बाकी यार डिवाइस की बात करें तो मेरे पास एक्वस R2 है, इसमें आपको चेंजिंग भी कर सकते हो, यानी कि एक बार आप फर्स्ट वाले को मारो फिर आप लास्ट वाले को मारो, ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजिंग होगी। ठीक है, कुछ इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर क्लोज रेंज में कुछ बंदा मतलब एक दो बंदे आ जाएँ तो आप काफ़ी मतलब इजीली उनको मार सकते हो। ठीक है, दूसरे ड्रिल की तरफ जिसमें हम इम्प्रूव करने वाले हैं अपने रिफ्लेक्सेस को, तो वो भी आपने इधर ही करना है। ठीक है, ये जो आपके पास सामने ये डमी है ये वाला गत्ता, ठीक है, इसके साथ और इन बोर्ड्स के साथ आपने करना है, मतलब सीरियसली करना नहीं, मेरा मतलब है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले इस डमी बोर्ड के ऊपर फायर करना है और फिर कोशिश करनी है FEP स्विच करके आपने प्रोन करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से आपके कंट्रोल शो कर देता हूँ कि मैं इस वक्त 5 फिंगर्स खेलता हूँ शार्प एक को R2, मैं आपको ताकि अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, ये मेरे कंट्रोल हैं। ठीक है, तो जब मैंने मतलब ना मैंने आपको बोला कि इस तरह आपने इसके ऊपर एम करना है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर फायर करना है और साथ ही आपने ऐसे मतलब ना सॉरी ऐसे एम करना है और साथ ही अपने इधर घूम के और लेटने वाला और साथ FPP ये दोनों इकट्ठे दबाने हैं। ठीक है, ये दोनों जब आप इकट्ठे दबा के ऐसे करोगे ना तो कुछ इस तरह का आपको सीन मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको करके दिखाते हैं कि ये करना कैसे है, बाकी कंट्रोल्स आपने देख ली, सेंसिटिविटी भी वैसे देखनी है तो देख लो यार सेंसिटिविटी मेरी, मैं फुल खेलता हूँ 400 की जैरो पे क्योंकि उससे रिफ्लेक्सेस वगैरह क्लोज रेंज में काफ़ी प्यारे हो जाते हैं।
लेकिन हिप फायर थोड़ा बुरा है मेरा, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है। और ये मैंने 0-0 ऑलमोस्ट की हुई है, ठीक है। बाकी ठीक है, चलते अपने मतलब ड्रिल की ओर। अच्छा, तो मैंने कंट्रोल थोड़े मतलब मैंने सारे वो इनविजिबल कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आपने पहले इसके ऊपर फायर करना है, फिर इधर, ठीक है, वो कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। मतलब आपने एकदम से ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपके ऊपर एक बंदे को आपने मारा है और पीछे से उसका टीममेट आ गया और आपने उसके टीममेट पर अभी फायर खोल देने हैं, ठीक है। और FVP यार करने का मकसद ये है ना कि जब अभी देखो, ठीक है, ये मैं बंदे के सामने लेट गया, इधर मेरा अपना बंदा भी शो हो रहा है, ठीक है। मसला ये आता है जब आप FVP स्विच करते हो तो पूरा का पूरा बंदा भाई आपके सामने और एम बिल्कुल उसके सर के ऊपर, तो मतलब ना बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बंदा बचे। लेकिन इसकी आपको आदत थोड़ी मुश्किल से पड़ेगी, इतनी आसानी से आपको आदत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस ड्रिल को भी आपने कम से कम 4 मिनट लाजमी देने हैं, ठीक है। और वैसे आप इधर इस तरह भी कुछ कर सकते हो हिप फायर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप क्लोज रेंज में जो गन यूज़ करते हो आपने कोशिश करनी है वही गन आप उठा के इधर फायर करो, क्योंकि अगर आप इधर भाई जान शॉट गन चला रहे हो उधर जाके आपने एयर उठा ली, इधर आपने एयर उठाई उधर जाके शॉट गन उठा लो, तो वो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे इतने अच्छे से, ठीक है। और कोशिश किया करो कि जब प्रोन शॉट मारो तो FVP कर लिया करो ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए और व्यू भी काफ़ी प्यारा मिलता है, ठीक है। इससे इसी के साथ यार चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिल की ओर। और नेक्स्ट ड्रिल जो हमारा होने वाला है वो है हमारा स्प्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि अपने गन्स के ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं लगानी, ठीक है। देखिए मैंने कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाई हुई है, एक सिर्फ मैंने एक्सटेंडेड मैग लगाई हुई है। और गन वही मैंने आपसे आपको फिर से बोल रहा हूँ वो उठाने हैं जो आप स्प्रे के लिए क्लासिक में उठाते हो, ठीक है। अगर आप क्लासिक में कोई और उठाते हो गन तो आपने वही गन उठाने का, ठीक है। वैसे तो लोग ज़्यादा M4 यूज़ करते हैं, तो मैं भी M4 वैसे चलाता हूँ लॉन्ग रेंज पर। लॉन्ग रेंज पर आपकी भाई की इतनी अच्छी नहीं है सेंसी, ठीक है। इस तरह आपने अटैचमेंट्स के बगैर भी यार ठीक ही है मेरा। वैसे अगर आप अटैचमेंट के बगैर करोगे ना इधर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप जब अटैचमेंट के साथ करोगे तो भाई का जो आपको मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी फिर, ठीक है। इधर आपने कोशिश करना है लेट के स्प्रे नहीं देना, ठीक है, क्योंकि क्लासिक में कहीं की जगह ऐसी होती है जिधर बंदा लेट नहीं सकता, ठीक है, उधर बंदे को बैठ के स्प्रे देना पड़ता है। फिर अगर बंदे की आदत बन गई ना लेट के स्प्रे देने की फिर काम ख़राब होता है। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रिल होने वाला है वो हमारा कार स्प्रे के ऊपर होने वाला है। और कुछ लोग तो यार इससे ये जो सामने वाली है ये दीवार सी, कुछ लोग तो इसके ऊपर ही ट्राई करते हैं, ठीक है, इधर ही ऐसे। बट इसकी बेस्ट जो जगह है ना वो मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने जनाब इधर आ जाना है इस बोर्ड के ऊपर और आपने इधर से टैप करना है शूटिंग ट्रेनिंग, और इधर आपने आ जाना है, इधर आपने ट्रेन पे क्लिक करना है और फिर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे। फिर नीचे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो इधर मैंने अपना पहले से प्लान बनाया हुआ, इधर आप अपने प्लान बना सकते हो कि आपने मतलब क्या करना है, ठीक है। इधर आपने ऊपर ट्रेनिंग राउंड मैक्स कर देने, यानी 10 राउंड होंगे, और डिस्टेंस आपने अपना सेट कर लेना है कि डिस्टेंस कितना हो, ठीक है। डिस्टेंस 20 मीटर 40 और 60 के बीच आपने रखना है। उनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, टारगेट्स की हेल्थ मैंने 120 रखी हुई है। मूवमेंट मैंने उनकी फुल की हुई है, हेलमेट और वेस्ट मैंने उनको लेवल 3 पहनाया हुआ है, और डैमेज सिर्फ उनका ऐड पे रखा हुआ है। फिर नीचे सेव करना है उसके बाद, ठीक है, सेव करेंगे तो ये आपके इधर सेव हो जाएगा। जब भी आप इधर होगे आपने इसको चूज़ करके फिर आपने स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी देखो जादू इसका क्या है कि ये चेक करो, ठीक है, ये काफ़ी फास्ट ऐसे मूव हो रहे होंगे और इनको गोलियाँ सिर्फ हेड पर कनेक्ट होंगी, और इससे आपका गाड़ी का स्प्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप इधर सिर्फ हेड ट्राई कर रहे होगे लेकिन गाड़ी में तो उधर आप बॉडी भी मारोगे तो वो तो जहरी सी बात है लगने ही लगने हैं, लेकिन आप अगर हेड पे ट्रेन करोगे तो वो आपकी काफ़ी इफेक्टिव ट्रेन होने वाली है, और वो कुछ इस तरह होगी। अभी मेरा भी इस पर हाथ नहीं बैठा तो मैं इसके लिए फुल ट्रेनिंग करने वाला हूँ ताकि मेरा इसके ऊपर अच्छे से हाथ बैठ जाए। वो थोड़ा दूर है तो उसके लिए स्कोप, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है। इतनी आप डिफ़िकल्टी पे जब आप ट्रेनिंग करो और फिर आप क्लासिक में जाओ तो भाई ये उधर तो आपने भाई फाड़ ही गया ना लोग। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपना ट्रेनिंग पे हाथ बिठाओ अच्छे से, पहले अपनी ट्रेनिंग सही से करो, ठीक है, ट्रेनिंग करके जाओ, वार्म अप वगैरह करके जाओ अपना, ताकि आपको भी मज़ा आए भाई कि यार कम से कम मारा तो है ना।
और यार बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके माइंड सेट के ऊपर, ठीक है। आपकी गेम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके माइंड सेट के ऊपर। अगर आपका माइंड सेट ये है कि यार मुझे सामने वाला बंदा मार देगा, वो तो फिर भाई आप पहले ही मर चुके हो, ठीक है। आपने ये सोच के चलने हैं भाई, जब तक मैं हूँ ना तब तक मेरे जैसे प्लेयर कोई है ही नहीं, मतलब इस लोबी में, ठीक है। और यार अनाउंसमेंट मेरी ये थी आप सबके लिए कि यार जल्दी से करा दो भाई के 50 सब्सक्राइबर, और फिर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लाइव कस्टम रूम, और उसमें गिव अवे भी हुआ करेंगे। आपका भाई गिव अवे किया करेगा यूसी और रॉयल पास वगैरह के। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।